फेमस टीवी सीरियल झनक के आगे आने वाले एपिसोड में झनक के बच्चे को नाजायज कहा जाने वाला है। झनक के बच्चे को काफी कुछ यहाँ पर सुनना पड़ेगा। वेल, झनक ने जो बदनामी अपनी जिंदगी भर झेली है, वो नहीं चाहती थी कि वो बदनामी उसका होने वाला बच्चा झेले। भाई झनक नहीं चाहती थी कि अपने पिता के नाम को लेकर वो तो जिंदगी भर तड़पी है, उसका बच्चा भी तड़पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख ही पा रहे होंगे। अब आदित्य कपूर झनक को काफी ज्यादा हिम्मत देने वाला है। आदित्य कपूर झनक से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहने वाला है और ये लड़ाई झनक लड़ने भी वाली है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे जहां पर ये लड़ाई लड़ेगी झनक और पूरी मीडिया वालों के सामने कन्फेस करेगी अपना सच। मीडिया वालों के सामने झनक बताएगी कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस का है। यूं तो झनक अनिरुद्ध का नाम भी नहीं लेना चाहती, झनक अनिरुद्ध से बात भी नहीं करना चाहती और उसने अनिरुद्ध से भी कह दिया है कि मुझसे जरा दूर ही रहिए। लेकिन अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे ढेर सारे हाई वोल्टेज ड्रामे जहां पर इससे पहले कि झनक कुछ भी कह पाती समझ पाती, यहां अनिरुद्ध मीडिया वालों के सामने अर्शी की नजरों में अच्छा बनने के लिए कर बैठेगा उसके साथ बदतमीजी, जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा यहाँ पर अनिरुद्ध का परिवार। झनक इन्हीं मीडिया वालों के सामने खोलेगी सबसे बड़ा राज। इन्हीं मीडिया वालों के सामने झनक बताएगी कि वो अनिरुद्ध बोस के बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद कहानी किस मोड़ पर जाती है शो के अपकमिंग ट्रैक में देखना होगा।